हरे कृष्णा, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स, ये रहेगा आज का टॉपिक। और आज रात की दिल की बातें के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। साथ ही साथ जिनके दिल और दिमाग में चल रहा है कि लेट नाइट जज्बात क्या है, तो उसके लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल है। वैसे भी जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप रीडिंग क्लेम कर सकते हैं। टैरो में से लेंगे 8 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 8 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि है, तुला राशि है या फिर कुंभ राशि है। काफी कुछ है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके कहने को, लेकिन जैसे यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा बाहर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पीछे मुड़ के जरूर देख रहा है, वैसे ही उनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि क्या मुझे बात करनी चाहिए या नहीं। लेकिन कम्युनिकेशन को लेके यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की थोड़ी सी एनर्जी महसूस हो रही, क्योंकि बाकी सॉर्ड इस पर्सन ने उठा के रखी है अपने हाथ में। तो कहीं ना कहीं शायद आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन का इंतज़ार है, यानी कि वो चाहते हैं बातचीत करने में इस बार आप लीड ले। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल बाद ये कार्ड आया है। यहाँ पे भी ये नाव से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे भी सॉर्ड्स लेके ही आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे चांद है जो रिप्रेजेंट करता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो के ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे अभी आज अमावस्या स्टार्ट हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल फुल मून के अपोजिट ये एनर्जी है। यानी कि जब उनका दिल उनको कहता है कि बात करो, तब ये अपने दिल के नहीं सुनते, ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। यहाँ पे एक उल्लू बैठा है और ये जो पर्सन है वो घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। तो वैसे ही आपके पर्सन, आप कह सकते हैं कि उल्लू की तरह जाग जरूर रहे हैं, नींद गायब है, उनका दिल तो काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आपसे बातचीत करने को। 3 कार्ड इन रो कम्युनिकेशन को आ रहे हैं, तो कितना ज़्यादा आपसे बात करने के लिए ये तड़प रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्टबननेस ज़्यादा होने की वजह से आपके कॉल का या मैसेज का इंतज़ार किया जा रहा है। फिर है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे भी चांद है, यानी कि आपके दिल में क्या चल रहा है ये वो समझ नहीं पा रहे, और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होती है। तो आप आखिर कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे या क्यों नहीं कर रहे, इस बात को लेके ये उलझन में फंसे हुए हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। यहाँ पे थोड़ी सी सैटर्न की एनर्जी है, जिसका मतलब है किसी की तो कुंडली में शायद शनि थोड़ा सा भारी है और इस वजह से ये पर्सन स्लो एनर्जी में है। मतलब सोच तो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने को लेके बस थिंकिंग प्रोसेस ही चल रही है। कप्स यानी कि वाटर साइन है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके ख्यालों में खोए रहते हैं और इमोशनल हद से ज़्यादा हो जाते हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके पर्सन को ड्रिंक्स वगैरह लेने का शौक है, तो जब ये हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तब रात बेरात आपको इनका कॉल आता होगा। और अभी भी ये वैसे ही सोच रहे हैं, मतलब खुद को कंट्रोल करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शायद ये ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, लेकिन यादें तो फिर भी आपकी आ ही रही है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं घोड़े पे सवार है ये पर्सन और अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है, यानी कि दिल तो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी घोड़ा है, यहाँ पे भी घोड़ा है,
लेकिन अपने जज्बात नहीं रिवील करना चाहते। यहाँ पे भी चेहरा नहीं देख पा रहे हम और यहाँ पे भी, तो अपनी रियल फीलिंग्स आपसे छुपाने की एक लाख कोशिशें चल रही है। फिर है नाइन ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। अकेलेपन से थक चुके हैं, टेन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, जहाँ पे घर बसाना चाहते हैं, शादी ब्याह करके बाल बच्चे उनमें बिजी रहना चाहते हैं, और ये सपना तभी पूरा होगा जब आपके सामने ये अपनी दिल की बातें कहेंगे। लेकिन आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का इंतजार होने की वजह से अपने दिल की बातें आपसे नहीं कह रहे। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ वैंड, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है इंतजार करके ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुके हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि जब तक आप सामने से बात नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, तब तक ये आगे बढ़ने वाले नहीं है। मतलब दिल में भले ही जज्बातों का तूफान हो, काफी कुछ चल रहा हो, फिर भी ये जितना हो सके आपको उलझन में डालने के लिए बातचीत करने से खुद को दूर रख रहे हैं। फिर है हिडन डिजायर, काफी ज्यादा ख्वाहिशें हैं, जो ख्वाहिश है यहाँ पे आप देख सकते हैं। लिपस्टिक है, लिपस्टिक हम कहाँ कैसे यूज करते हैं ये तो आपको पता ही है। तो काफ़ी ज़्यादा हक्स एंड किसेस की बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही हैं और यही चाहते हैं कि मतलब मेकअप शायद आपको पसंद है या फिर आपकी कोई ऐसी प्यारी सी लिपस्टिक की शेड उनको पता है जिसको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उस शेड में दोबारा आपको देखना चाहते हैं। फिर है वल्नरेबल हार्ट, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल उथल पुथल मची हुई है, जिस वजह से दिल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। फिर है स्टेटस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो वाइन की बॉटल्स हैं और एक ही ग्लास है, तो कहीं ना कहीं ये जो राइट नाउ स्टेटस लगाए बैठे हुए हैं, यानी कि बिजी या फिर नॉट अवेलेबल, ये व्हाट्सएप का भी स्टेटस हो सकता है, उस स्टेटस के पीछे हिडन क्या मैसेज है ये वो चाहते हैं आप समझें। और यहाँ पे जैसे ये बॉटल एक दूसरे के साथ है कनेक्टेड, वैसे आपके साथ एक कनेक्शन वो फील कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली भी कुछ ये कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी वाइन का ग्लास हमें दिखाई दे रहा है, तो चांसेस बन रहे कि अगर इमोशंस हावी होते हैं तो शायद आपको कॉल आ सकता है। फिर है अबाउट द रेस्ट, तो दिल के जो जज्बात हैं उनसे परे भी कुछ चाहते होती हैं और वो चाहते ही हैं जो इनको सुकून नहीं मिलने दे रहे, और इसी सुकून के गायब हो जाने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन हैं। फिर है लैक ऑफ क्लोजर्स, तो यहाँ पे बात आ रही है आपसे जो दूरियाँ मिल रही हैं वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपके करीब आना चाहते और आपको मिस कर रहे हैं, गले भी नहीं लगा सकते, ना ही आपकी तारीफ कर सकते हैं, ये तो हद हो गई, और ऐसी ही बातें उनको थोड़ा सा गुस्सा भी दिला रही है। फिर है विविड ड्रीम्स, तो आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा ये सपने बुन चुके हैं आपके साथ जिंदगी को लेके, रोमांटिक कनेक्शन को लेके, और उनको लग रहा है कि ये सपने आखिर पूरे होंगे तो कब होंगे। फिर है ओवरड्यू, तो इस बार उनको लग रहा है कि आपने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। मतलब हो सकता है हर बार जब आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई होती है तो शायद आप उनको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आपने अगर ऐसा नहीं किया है तो इनके मुताबिक ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कर रहे हैं आप, मतलब ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। और फाइनल कार्ड है एडिक्शन, यहाँ पे भी वही है, ग्लास है और वाइन वगैरह दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा उनको आपकी आदत हो चुकी है आपकी बातों की या फिर आपका साथ महसूस करने की, आपको अपने ज़िंदगी में वो शामिल कर चुके हैं, मतलब इमोशनली आपके साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन उनको महसूस होता है, और आपके खामोश रहने की वजह से या फिर किसी झगड़े की वजह से अगर बातचीत वगैरह बंद है तो इस आदत से वो कैसे अपने आप को संभाले ये उनको समझ में नहीं आ रहा, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि इस तरह से ड्रिंक्स वगैरह लेके खुद को थोड़ा सा एक मूड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुस्से में ही सही लेकिन आपसे बात करेंगे या फिर फाइनली अपने दिल के दरवाजे ओपन करके आपको वो सब बातें बताएंगे जो डिज़ायर इनके हिडन डिज़ायर्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जज्बातों का तूफान मचा हुआ है, और अगर ये मेल पर्सन है ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो थोड़ा सा फ़ोन संभाल के रखिए, क्योंकि चांसेस तो बन रहे हैं कि इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, थोड़ा सा गुस्सा भी आपको शायद हैंडल करना पड़ सकता है।
एनीवे जनरल रीडिंग है आपके साथ, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।